हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम होती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसके साथ उनको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, एक रेगुलर इनकम मिलती है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम एक नए रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी जानेंगे, साथ ही साथ पूरी डिटेल में स्कीम को समझने वाले हैं। दोस्तों, जो अब क्वार्टर आया है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, जो इस पीरियड में इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे उनको नया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। अगर आप हमारे चैनल नागपाल इन्वेस्टमेंट्स पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाइएगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। SC SS, कोई भी इंडिविजुअल जिनकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कोई भी सीनियर सिटीजन इजिली इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ कोई भी इंडिविजुअल जिनकी एज 55 से ज्यादा है और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, यानी VRS लिया है, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ रिटायर्ड के डिफेंस एम्प्लॉयज जिनकी एज 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा, अगर किसी ने VRS लिया है या डिफेंस एम्प्लॉयज हैं, तो जो उनको रिटायरमेंट का पैसा मिलता है उसको 1 महीने के अंदर अंदर उनको स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा, तभी वो कर पाएंगे। और दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट आप जॉइंट में भी करवा सकते हैं अपनी स्पाउस के साथ, ये किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आपको मिल जाता है। दोस्तों, डिपॉजिट अमाउंट की बात कर लेते हैं। इसमें वन टाइम डिपॉजिट होता है, मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 1000 रुपीज, और 1000 रुपीज के मल्टीपल में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो टोटल 15 लाख रुपीज एक नाम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपने एक अकाउंट 5 लाख का पहले खोला हुआ है तो टोटल 10 लाख का और, यानी 15 लाख से ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। और आपको इसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट भी मिल जाती है मैक्सिमम 1,50,000 की। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इंटरेस्ट इसमें है। अब पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे मैंने आपको बताया इंक्रीज हुआ है, पहले होता था 7.40, अब आपको मिलेगा 7.60% पेएबल क्वार्टरली, यानी 0.20% बढ़ा दिया गया है। और इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, यानी एवरी 3 मंथ्स हमें मिलता है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कितना डिपॉजिट करें तो अपने को क्या मिलेगा। मान लीजिए आप मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख डिपॉजिट करते हैं तो आपको एवरी क्वार्टर 28,500 रुपीज मिल जाएंगे एवरी 3 मंथ्स, लगातार 5 इयर्स के लिए मिलेंगे। दोस्तों, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो एवरी क्वार्टर, यानी 31 मार्च 30 जून 30 सितंबर और 31 दिसंबर, हर 3 महीने बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर जो इंटरेस्ट है वो आपका 50,000 से ज्यादा बनता है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में, तो जो इंटरेस्ट है उस पर TDS भी कटेगा। जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर टैक्स कट के आपको मिलेगा। अगर आपको TDS नहीं कटवाना, आपकी इनकम कम है, तो आप फॉर्म 15G या H भर के सबमिट कर सकते हैं, तो आपका TDS नहीं कटेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्री मेच्योर क्लोजर की, यानी समय से पहले अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या होगा। दोस्तों, इसमें अलाउड है प्री मेच्योरिटी, अगर 1 साल से पहले लेंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी जो भी इंटरेस्ट मिल चुका होगा वो काट लिया जाएगा। अगर 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, यानी 1 साल और 2 साल के बीच में आप लेंगे, तो जो डिपॉजिट अमाउंट होगा उसके ऊपर 1.5% की पेनल्टी लगेगी और आपका ये पैसा आपको मिल जाएगा। अगर 2 साल के बाद आप प्रीमेच्योर करते हैं तो वो पेनल्टी 1% की हो जाएगी डिपॉजिट अमाउंट पे। तो दोस्तों, ये प्री मेच्योरिटी का क्लॉज है। और जो अकाउंट आप खुलवाएंगे इसमें, इसको आप मेच्योरिटी यानी 5 साल के बाद एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगले 3 साल के लिए, लेकिन ध्यान ये रखना होगा जो एक्सटेंशन पीरियड होगा उसमें जो नया रेट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही आपको मिलेगा, आपको पुराना रेट कंटिन्यू नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सटेंडेड अकाउंट की। जो एक्सटेंडेड अकाउंट होगा वो आप कभी भी बंद भी कर सकते हैं 1 साल के बाद एक्सटेंशन के, विदाउट एनी पेनल्टी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ सभी के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।